ठीक है बच्चों, तो कल हमने इसकी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड और या फंड कहना चाहो तो वो कह सकते हो, और हम्फ्री, ये जो छह स्पेक्ट्रल लाइंस थी इनके बारे में देखा था कि कहाँ से कहाँ पे जंप हो रहा है। ठीक है, लाइमन मतलब जो भी लाइन होगी या जो भी जंप होगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, ग्राउंड स्टेट, और बाल्मर मतलब सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पाशन मतलब थर्ड ऑर्बिट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से सब होता चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा देखते हैं कि इसके एनर्जी चेंज क्या है। एनर्जी चेंज होता ट्रांजिशन, एच स्पेक्ट्रम है, इसमें एनर्जी चेंज क्या होगा, एनर्जी चेंज फॉर द ट्रांजिशन। ठीक है जी, ये क्या होगा, देखो भाई, लेट से किसी N2 से N1 पे जा रहा है, ठीक है, तो N2 से N1 पे जा रहा है, मतलब इसकी E2 की एनर्जी कितनी होगी, ये सबको पता है, ये आता है 13.6 Z square माइनस 13.6 Z square अपॉन N2 square, और E1 will come out to be equal to माइनस 13.6 Z square into 1 upon N1 square। देखो हाइड्रोजन के लिए ही डिफाइन करें तो Z equals to 1 होगा, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ ताकि अगर मान लो किसी और के लिए करना हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास हमेशा रहे। तो यहाँ पे डेल्टा E equal to क्या आएगा, डेल्टा E will be equal to माइनस 13.6, क्योंकि E2 हायर होता है ये लोअर होता है, तो माइनस 13.6 Z square upon N2 square माइनस ऑफ माइनस 13.6 Z square upon N1 square। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर आता है माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर आता है। ठीक है जी, ये होता है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब तुम्हें याद होगा जब मैंने बताया था कि जब भी ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो इट विल गो बाय एमिटिंग अ फोटोन, हमेशा फोटोन एमिट करते हुए जाता है। एब्जॉर्ब वो दो तीन तरीके से कर सकता है, या तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज हो मतलब कोई डिस्चार्ज हो, या फिर उसे हीट किया गया हो, या फिर उसने एनर्जी लाइट के थ्रू एब्जॉर्ब की हो, लेकिन जब वो एमिट करेगा मतलब एनर्जी रिलीज करेगा तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। ठीक है जी, तो दैट डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच न्यू और एच सॉरी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कह सकते हैं अपन, एच सी अपॉन लैम्डा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये जो चेंज है दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर वो करूँ तो 1 upon lambda, ठीक है, 1 upon lambda जिसको मैं न्यू बार लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 13.6 upon HC, ठीक है, into Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ये ध्यान रखना जो N1 है वो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, और ये हाई एनर्जी लेवल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो इस फॉर्मूले को, इसको हम बेसिकली RH करके लिख लेते हैं, विच इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये इन भाई साहब ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इनफैक्ट ये जो डिस्कवरी है ये तुम्हारा बोर मॉडल के देने से पहले हुई थी। ठीक है, तो इसको एक्चुअली में बोर के मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था, तुम देख ही रहे हो ये बोर के मॉडल से तो आ रहा है ना, और यही इसका जो अभी एक दूसरा फॉर्म है जो कि उसने बताया था, दिस इज़ न्यू बार इक्वस टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये उसने फॉर्मूला दिया था, और ये देखो तुम्हारा बोर मॉडल से यही फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा बोर मॉडल का, सॉरी हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का, वो तुम्हारा हाइड्रोजन वाली जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी इक्वेशन से भी हो सकता है, और जो तुम्हारा बोर मॉडल का है ना, बोर मॉडल की जो कैलकुलेशंस है उनसे भी हो सकता है। ठीक है, तो विच एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट, विच एवर वे यू प्रेफर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आर एच हो गया, रिडबर्ग, इस इक्वेशन को कहेंगे रिडबर्ग इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होगी, रिडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो क्लियर, ठीक है,
अच्छा, इसमें सब कुछ तो कवर हो गया प्लस, हाँ ठीक है, आर एच की वैल्यू बस लिख लेते हैं। आर एच की जो वैल्यू थी, आर एच की जो वैल्यू आएगी, अच्छा देखो ये इसकी क्या होती है, पर इन पर मीटर या मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स होगी, तो इसकी भी ये यूनिट यही होगी क्योंकि जेड की कोई यूनिट होती है, N1 N2 की कोई यूनिट नहीं होती। तो आर एच इज इक्वल्स टू 109768 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर इन्वर्स, और 1.01 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है, इंटू 10^7 मीटर पर मीटर। मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में जो आर एच की वैल्यू दी है वो दी है 109677 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू चाहे तो ये वाली यूज़ करो, चाहे जो मैंने दी है वो यूज़ करो, डजंट मैटर, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में है तो ये यूज़ कर लेना, इन जनरल तुम ये यूज़ कर सकते हो, या तो ये है, हालांकि मैं तीन तीन वैल्यूज बोल रहा हूँ, आसपास ही है, ठीक है। तो तुम किसी भी एक को याद करो यार, छोड़ो, तुम किसी भी एक को याद करो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी वाली है, एक्चुअली में ये होती है, ठीक। तो वेयर वर वी, यस, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, और यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कि भाई 13.6 अपॉन एच सी इज इक्वल टू आर एच, है ना, तो आर एच इंटू एच सी इज इक्वल टू 13.6, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। ये एक इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक। इसमें बोल रहा है फोटोन एमिटेड, लैम्डा पूछ रहा है, ये लैम्डा पूछ रहा है ऑफ द फोटोन एमिटेड, ठीक है, फोटोन एमिटेड किस ट्रांजिशन के लिए, फ्रॉम सेकेंड लाइन ऑफ, अब देखो ये सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और ये थर्ड लाइन क्या होता है, तो ये बता देता हूँ तुमको, एटलीस्ट ये कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज की मान लो ये n इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ से कैसे आएगा, या तो ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, है ना। तो ये चार अलग अलग ट्रांजिशन है ये लाइमन वाले, क्यों, क्योंकि n1 इक्वल टू 1 है इसमें, है ना, सारे के सारे फर्स्ट या ग्राउंड स्टेट पे जाके एंड अप कर रहे हैं, देर एंडिंग अप देर, है ना। नाउ क्या बता रहा था मैं, राइट, इसमें दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी तरीके से जो n इक्वल टू इन्फिनिटी से आएगा दैट विल बी कॉल्ड लास्ट लाइन, ठीक है, तो लास्ट लाइन, गॉट इट। चलो तो अब इसके बेसिस पे अगर मैं तुमसे कहता हूँ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, सेकेंड लाइन, ये तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो कहाँ से आएगी, थर्ड से सेकेंड में, फिर सेकेंड लाइन कहाँ से आएगी, फोर्थ से सेकेंड में, फिफ्थ से सेकेंड में, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे उसने बाल्मर बोल दिया, मतलब n1, जैसे उसने बाल्मर बोल दिया मतलब n1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते ना, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के अलावा और इन्फॉर्मेशन है सीरीज ऑफ h, ठीक है, बाल्मर बोल दिया तो n1 इक्वल्स टू 2 हो गया, सिंपल है। सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन, n इक्वल्स टू 4, तो तुम इस तरीके से भी देख सकते हो n2 विल बी इक्वल टू, ये तो 2 है, प्लस जिस लाइन की वो बात कर रहा है वो ऐड कर दो, n इक्वल टू 4। अब इसको कर लो कैसे आएगा भाई, ये फॉर्मूला ही लगा लो, डेल्टा ई विल बी इक्वल, अच्छा लैम्डा पूछ रहा है ना, तो सीधा फॉर्मूला लगा दे, लैम्डा इज वो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में पूछा तो 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू n1 कितना हुआ 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो कितना हो गया, 4 और 16, नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 RH, 4 × 16, 4 − 1, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 3 RH। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है,
और दूसरा तरीका क्या हुआ जो कि शॉर्टर तरीका है, ठीक, वो क्या होगा? देखो भाई, इसमें उसने सेकंड लाइन की बात करी है तो n2 = 4 हो गया, n1 = 2 हो गया, तो E2 की एनर्जी कितनी होती है? E2 इस लेवल की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए? ये इतनी होती है, और E4 कितनी होती है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। देयरफॉर डेल्टा E कितना हो जाएगा इसका? डेल्टा E विल बी इक्वल टू -0.85 + 3.4, टोटल कितना आएगा ये? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम्हें याद होगा कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम क्या होता है, फॉर्मूला याद है, 12400/2.55, इसे निकाल लो, आंसर आ गया एक ही मोमेंट में, या फिर तुम इसमें वैल्यू रखो, इसमें लंबी कैलकुलेशन कर लो, या फिर छोटा ये यूज़ कर लो, ठीक है, विच एवर वे इट प्रेफर्स। मेरे हिसाब से ये है, दिस इज़ दी निंजा टेक्निक, ठीक है, शॉर्ट में हो जाएगा सब काम, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइमन बाल्मर पास्टियन ब्रैकेट इन डिटेल, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो एच स्पेक्ट्रम में एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज, ठीक है जी, एक एक करके बात करेंगे। लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज जो होती है वो यूवी स्पेक्ट्रम में लाई करती है, यूवी रेंज है ना, या यूवी रीजन, जो भी तुम लिखना चाहो, ठीक है। इसमें क्या होगा एक एक करके देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, पहली चीज़ तो ये लिखनी है इसमें, इट इज़ दी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ दी एच एटम, ठीक है। एच एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। सेकंड चीज़ इसमें क्या लिखनी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो टर्मिनेट होता है, इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट्स एट, ऑलवेज टर्मिनेट्स एट, ऐसे लिखो, ऑलवेज टर्मिनेट्स एट n इक्वल्स टू वन, ठीक है, एट ग्राउंड स्टेट, हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही एंड अप होगा, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ जो हमें लिखनी है दैट इज n1 विल बी इक्वल टू 1 इन दिस एंड n2 विल बी इक्वल टू 2, 3, 4, ∞, ठीक है जी, अप टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी वैसे बना चुका हूँ, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, ऐसे करके फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और ये लास्ट लाइन हो गई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, या इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं भाई, ये तुम्हारी फर्स्ट लाइन हो गई और ये लास्ट लाइन होगी, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, क्लियर होगी बात। हम लास्ट लाइन को मार्जिनल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो और मार्जिनल लाइन हो गई, ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई, और इन दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट, ये कलेक्टिवली क्या बोली जाती हैं, एक्सट्रीम लाइंस, ये ध्यान रहे, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम लाइंस, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हम जो अभी बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लाइन, ठीक है, एंड देन द लास्ट लाइन। देखो फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट लाइन में n1 will be equal to 1 and n2 will be equal to 2, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, ये सबसे छोटा ट्रांजिशन है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और लैम्डा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी और लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, ठीक है जी, ओके। सो देयरफॉर नाउ इसके लिए अगर मैं डेल्टा ई फॉर फर्स्ट लाइन करूं तो क्या आएगा, देखो भाई, चलो ठीक है, एक सेकेंड, इसको डेल्टा ई को बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं ई वन, क्योंकि फर्स्ट लेवल है और मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट लेवल पे एनर्जी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ई टू की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफोर डेल्टा ई ऑफ एफ एल क्या आएगा भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर जगह नहीं है ना, ठीक है, चलो पहले इसको कर लेता है। लास्ट लाइन में देखो, N1 इक्वल्स टू 1 होगा, N2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, E यहाँ पे मैक्सिमम होगी और लैम्डा यहाँ पे मिनिमम होगा। सिंपल सी बात है, एनर्जी मैक्सिमम तो ये E1 यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और E2 यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की इक्वल्स टू इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी 0 होता है मतलब। तो डेल्टा ई लास्ट लाइन विल बी इक्वल टू 0 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम देख सकते हो कि डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई लाइज बिटवीन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर होगी बात? ठीक है, इससे अगर तुम देखो या फिर अगर मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ हाइड्रोजन से के अलावा, तो डेल्टा ई को अगर मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई जेड स्क्वायर। इसको भी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो। तुम एच ई प्लस के लिए कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, एच ई एल आई 2 प्लस के लिए कर रहे हो तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लैम्डा के लिए देखूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारा N1 N2 है, तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन के लिए 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, ये FL लिख रहा हूँ, RH क्योंकि Z1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3 RH/4 ये आएगा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लैम्डा FL विल बी इक्वल टू 4/3 RH। उल्टा कर लो ना इसको, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये FL हो गया। इसी तरीके से मैं LL के लिए लिख लेता हूँ, लास्ट लाइन के लिए 1/λLL विल बी इक्वल टू RH इंटू 1/1 का स्क्वायर -1/∞ विच इज़ 0, तो ये क्या जाएगा? RH। ठीक है, लैम्डा LL विल बी इक्वल टू 1/RH। ठीक है, इसका जन चलो ठीक है, वो फॉर्मूला आगे बताएंगे, पहले तुम इसको कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारी लाइंस हो गई। अगर तुम देखो 4/3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? 4/3 बड़ा होता है, तो ये हायर वेवलेंथ हो गई। तो वेवलेंथ लैम्डा विल लाई फ्रॉम 1/RH टू 4/3 RH। ठीक है, 1/RH टू 3/4 RH, 4/3 RH। तो ये तुम्हारे इसके एक्सट्रीम्स हो गए। ठीक, मान लो यही चीज़ मैं बाल्मर सीरीज के साथ करता हूँ। अब बाल्मर, क्योंकि ये एग्जैक्टली सारी कैलकुलेशंस सिमिलर आनी है। सबसे पहला क्या है, वी विल हैव टू चेंज इट टू बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो बाल्मर सीरीज कौन सी होती है? बाल्मर सीरीज जिसमें सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होके आते हैं वो एन इक्वल्स टू 2 में आते हैं या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये जो रेंज है ये विजिबल लाइट की रेंज है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, ये ध्यान रखना है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है। ये ऑलवेज टर्मिनेट्स एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो N1 इक्वल्स टू 2, N2 इक्वल्स टू 3, 4, 5 up to infinity। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखना चाहो तो तुम्हारे पास जो बाल्मर सीरीज आएगी वो ये आएगी। ठीक है जी,
अब इस केस में ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, सेम वे फर्स्ट लाइन जो है अभी n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2, तो n1 इक्वल्स टू 2 तो है ही यहाँ पे, ये तो फिक्स्ड है। यहाँ पे क्या हो गया, एट मैक्सिमम जो आ सकता है ये आ सकता है, यहाँ पे ई मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम होगा, ये पता है क्योंकि ये सबसे छोटा एनर्जी ट्रांजिशन है। ई1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ई1 नहीं होगा, ई2 होगा, विच विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा ई एफ एल ये वाली को ये वाली से माइनस किसको करना है, इस वाली को। ठीक है, विच इज़ -3.4, यहाँ पे कितना आएगा, ये ध्यान से देखो, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली n1 विल बी इक्वल टू 2, ये लॉन्गेस्ट वाले, ये लास्ट लाइन के लिए है, तो लास्ट लाइन ये है तुम्हारी। ठीक है, ये लास्ट लाइन है, अगर ये लास्ट लाइन है तो ये इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा है, तो 2 से इन्फिनिटी ई एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट या लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी ट्रांजिशन है ये। ई टू इज इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, बस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर पे एसेंशियली ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी एनर्जी जो लाई करेगी वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गॉट इट। इसी तरीके से अगर तुम इसकी बात करोगे तो सेम विल हैपन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर तुम वही जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, यहाँ कितना आ जाएगा, 3.4। सेम अगर तुम इसमें यहाँ पे करते चले जाओ तो एफ एल विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर होगा, है ना, एन यहाँ पे n1 क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा, और n2 क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, तो 9 × 36, नीचे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 9 × 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 36/5 RH। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक जादू की ट्रिक बताता हूँ, देखो भाई, ये हमेशा ज़ीरो होगा क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी रहेगा, ये ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे इनफैक्ट इस केस में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, RH/4, यहाँ क्या जाएगा, 4/RH। तो कभी भी लास्ट लाइन के लिए अगर तुमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा LL विल ऑलवेज बी इक्वल टू n1² / RH। ये हमेशा एक जेनरिक फार्मूला दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, अभी तुम नेक्स्ट में भी देखोगे, उसके नेक्स्ट में भी देखोगे कि यहाँ पे 4 आए, वहाँ पे 9 आएगा, एक में 16 आएगा, क्योंकि 25 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे RH किस किस के बीच में है, 4RH और 5/36 RH। एक सेकेंड रुको, दिस इज लैम्डा मिनिमम, ओ सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं यार, 36/5 RH। ठीक है, सिमिलर सिंपल सा है, सेम वे अगर तुम एक एक करके चले जाओ, मैं सारे के सारे यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, चाहे तो तुम निकाल उतार लो इसको बस। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, वी हैव टू टॉक अबाउट, या इनफैक्ट लेट्स डू सम क्वेश्चंस फर्स्ट। इसमें एक चीज़ और जानने की है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना सही में, अगर इसे मैं कैलकुलेट करूँगा कहाँ गया इसको, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूंगा, गॉट इट। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी जो विजिबल लाइट की रेंज होती है, ठीक है, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन जो है इसके बीच में आ रही है, हालांकि ये वाली थोड़ा इसके बाहर जा रही है, इससे कम है, गॉट इट। तो तुम इसमें लिख सकते हो कि नॉट ऑल द लाइन्स ऑफ द बाल्मर
सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, इसकी जो फर्स्ट चार लाइन होती है वो ही विजिबल में होती है, बाकी नहीं होती है। तो लिख लो इसमें, नॉट ऑल लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज लाई, नॉट ऑल लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन, ओनली द फर्स्ट फोर लाई इन दैट रीजन, ओनली द फर्स्ट फोर लाई इन दैट रीजन। और अगर मैं बाल्मर सीरीज बाकी किसी एटम आयन की बोलूँ, एच ई प्लस, एल आई टू प्लस या बी थ्री प्लस की, तो क्या होगा, अगर लाइन में बोलूँगा तो इट विल मोस्ट प्रॉब्ली नॉट हैव विजिबल रेंज, ठीक है, इट विल नॉट मोस्ट प्रॉब्ली नॉट लाई इन द विजिबल रेंज। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकियों की जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रेंज में आए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, या इनफैक्ट इसे ऐसा करेंगे एंड में ही कर लेंगे भाई, ठीक है। पहले मैं सारे के सारे बता देता हूँ बिकॉज ये आई डोंट वॉन्ट टू रब दिस ऑफ, ठीक है। पैस्टन सीरीज की बात करते हैं हम, पैस्टन सीरीज, ठीक है। पैस्टन सीरीज हम जानते हैं कि ये इंफ्रारेड रेंज में लाई करती हैं, ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ठीक है, अपने को पता है, हमने देखा ये, ठीक। ऑलवेज टर्मिनेट्स एट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो हमेशा अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो एन वन विल बी इक्वल टू थ्री, एन वन विल बी इक्वल टू थ्री, इसको हटा दो, ये तो पूरा ही हटा दो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, ये हटा दूँ, ये हटा दूँ और ये हटा दूँ, तो तुम्हारी ये लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, फोर्थ से थ्री, फाइव से थ्री एंड सिक्स से थ्री एंड देन इन्फिनिटी से थ्री। इस केस में ये वाली लाइन जो ट्रांजिशन है तुम्हारा वो फर्स्ट ट्रांजिशन है, इसी को फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी उसको, और इसको सेकेंड बोलेंगे इसी तरीके से इन्फिनिटी तक, ठीक। यहाँ पे n1 will be equal to 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n equals to 3, और ये कितना आ जाएगा फिर 4.5.6 to infinity, ठीक है जी। अच्छा, इसमें वही फर्स्ट लाइन कहाँ से है, फोर्थ से थर्ड पे, तो ये क्या हो जाएगा, n1 equals to 3 है, ये equals to 4 हो गया, ये अगेन क्योंकि ट्रांजिशन सबसे छोटा है तो एनर्जी मिनिमम होगी, लैम्डा मैक्सिमम होगा। e3 अगर ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E4 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.85 माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुमने याद करी है कि नहीं करी है भाई, ये चार वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे इसको माइनस कर दो, डेल्टा ही क्या होगा, हायर से लोअर को माइनस करो, माइनस ऑफ 0.85, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस ऑफ -1.51 मतलब और 15, ये जाएगा 0.66, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम देखें n1 equals to 3 है, n2 equals to infinity है, e maximum बेसिकली जो भी ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा, इसलिए लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे e3 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ इक्वल टू अगेन -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो e इन्फिनिटी है ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अब डेल्टा ई फॉर लॉन्गेस्ट या लास्ट लाइन जो होगी वो लास्ट लाइन क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो तुम्हारी ये एनर्जी लाई करेगी, इट विल लाई फ्रॉम 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो भाई, ये भी तुम्हारे बाकियों के काम जैसे हो जाएगी, ठीक है, 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। इसी तरीके से तुम अगर फर्स्ट लाइन का लैम्डा निकालना चाहो तो फर्स्ट लाइन का लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/3 स्क्वायर, और ये क्या आएगा, क्यों, क्योंकि n1 इक्वल टू 3 है, n2 इक्वल टू 4 है, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 16, और ये हो गया 9, तो 16 9 = 144, यह चल जाएगा, ठीक है जी, 144 हो गया, ठीक है। और 144 यहाँ पे आ जाएगा 7 upon 144, तो उल्टा आ जाएगा इधर 144/7RH, ठीक है। इसमें हम कोई एस्टिमेशन नहीं डाल रहे हैं, वो तो मैं तुम्हें पिछले वाले में बताना चाह रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात।
अगेन अगर तुम लैम्डा एल एल कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस वाले केस में सीधे सीधे लिख रहा हूँ मैं, एन स्क्वायर एन वन स्क्वायर है ना, नाइन अपॉन आर एच आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन बाई थ्री स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर एच अपॉन नाइन आ गया। उल्टा करोगे तो क्या आएगा, नाइन बाई आर एच, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसको नाइन बाई आर एच कर देना, इसको कर देना हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अपॉन सात, ठीक है। तो सिंपल इसी तरीके से तुम सारी की सारी लाइंस को कैलकुलेट करते जा सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के लिए अगर तुम ये बनाओगे तो भाई, क्योंकि मैंने तो यहाँ थोड़ा छोटा बनाया है, ठीक है, तुमको अभी नेक्स्ट जो आएगा उसमें दिस विल बी द फर्स्ट वन, ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन तुम्हारी ये होगी, ओके। दिस इज ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, ये भी आई आर में होती है, ये फोर्थ होती है, ये फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, एन वन इक्वल्स टू फोर, ये अगर तुम लिखोगे तो सेम वही फाइव सिक्स सेवन, इसके ऊपर जो भी है उससे ही नीचे आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n1 वन इक्वल्स टू फोर हो गया, n2 टू इक्वल्स टू फाइव फॉर फर्स्ट लाइन, जो कि सबसे छोटा ट्रांजिशन है, सबसे छोटा ट्रांजिशन ई मिनिमम लैमडा मैक्सिमम। e4 की अगर हम बात करें तो e4 फोर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट एट फाइव है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने हालांकि एक थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इक्वल्स टू पॉइंट फाइव फोर, ठीक है। तुम लोगों को याद हो तो कर लेना, नहीं तो कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये कितनी आएगी, 0.85, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.31, गॉट दिस, ठीक है। यहाँ पे n1 वन विल बी इक्वल टू फोर इन्फिनिटी, n2 टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर e4 होगा, ये e इन्फिनिटी ये हो गया, e4 फोर विल बी इक्वल टू 0.85। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम इसको 0.85 ही लिखेंगे, और हमारा जो चेंज आएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम देखेंगे कि 0.31 से ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर तुम इसको पांच बार लिख लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहीं क्या एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं, और अगर तुम्हें कभी भी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो ये चीज़ ध्यान रहेगी, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बाकी तो क्या ही है, हमेशा कर ही सकते हो, ठीक है। चीते लोग यार तुम, ठीक है। तो ये लगा तो है ना भाई, सुनाई देना चाहिए तुमको। फोर स्क्वायर ये फाइव स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 400 अपॉन 9 RH, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, अब मैं इतना कैलकुलेशन लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधे सीधे इसका ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। N1 कितना है यहाँ पे, 4, तो 16 लैम्डा एल एल इक्वल्स टू 16 अपॉन आर एच, सिंपल सी बात है। तो ये किस किस के बीच में आएगा, 16 अपॉन आर एच और 400 अपॉन 9 आर एच। सिमिलरली तुम फंड या फंड जो भी कहना चाहते हो इसको, या पी फंड भी बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं उसका नाम भी क्या होता होगा, कैसे बोलते होंगे घर में उसको, ठीक है, फंड। एनीवे ये भी आई आर रेंज में होता है, ये फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, या फिर स्पेक्ट्रल सीरीज कह सकते हैं, लाइन नहीं कहना चाहिए इसको, सीरीज कहना चाहिए हमको, सीरीज कर देना भाई सबको, ये जो इससे पहले लिखा है ना सब, उसमें सीरीज कर देना। ऑलवेज टर्मिनेट्स एट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एन इक्वल्स टू फाइव पे, ये तुम्हारी अब लाइन नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई सिक्स्थ वाली होती तो सिक्स से यहाँ पे ये फर्स्ट होती, और जो ये होगी ये लास्ट होगी, क्लियर होगी बात। बस अब ये क्या, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 6, 7, 8 इस तरीके से। यहाँ पे तुम इसको 5 कर दो, ई मिनिमम
ठीक है। ठीक है जी, ये आ जाएगा तुम्हारा 38 आता है, ठीक है, याद करना तो कर लेना भाई, मुझे याद है भाई, हमें तो पढ़ाना ही है ना, तो हमें तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 0.16 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम अगर यहाँ देखोगे तो अगेन यहाँ पे 5 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी 0 है, यहाँ पे 0.54 है, तो अगर तुम इसको करना चाहोगे कैलकुलेट तो यहाँ पर 0.54 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से 0.16 से 0.54 तक वेरी कर रहा है। अगेन तुम इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी और आयन के लिए आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे तुम 25 कर लो सीधे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, ये आता है 900 और ये आता है 11, तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा 900/11 RH, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको कर दो सीधे सीधे 25/900/11, ठीक है। तो ये तुम देखोगे इस तरीके से, तो दीज आर दी ट्रांजिशंस, दीज आर दी सीरीज स्पेक्ट्रल, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ओवर हियर, ठीक है, गॉट इट। चलो जी, अच्छा कितो टाइम हो गया 36 मिनट, आज तो बहुत छोटा रहेगा लेक्चर, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जब ऐसा है तो, इसको हटा रहा हूँ मैं सब, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल था, पांचों के पांचों में सिमिलर टाइप की कैलकुलेशंस थी। अब तुम एक बार इसको लिख लोगे तो मैं याद आ जाएगा सबका सब, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं जल्दी 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 से, लेट्स डू सम क्वेश्चन। ये कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एक्सट्रीम लाइंस, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, लैम्डा ऑफ एक्सट्रीम लाइंस। एक्सट्रीम लाइंस कौन कौन सी थी अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, एक्सट्रीम लाइंस होती हैं फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ दैट सीरीज, ठीक है। एक्सट्रीम लाइंस का मतलब क्या हो गया, चलो पहले इसकी बाल्मर सीरीज लिख देते हैं, फॉर बाल्मर सीरीज, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, N1=2 आ गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब इसने बोल दिया एक्सट्रीम लाइंस पहली फर्स्ट और सेकेंड जो दूसरी होगी वो लास्ट होगी, तो N2 एक केस में क्या होगा, N2=3, क्योंकि फर्स्ट लाइन मतलब सबसे छोटा ट्रांजिशन, और एक होगा N1 और N2=∞, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो दो ट्रांजिशन हो गया, इसमें क्या बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ RH, तो लैम्डा निकालना है फॉर दीज टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ RH, तो कुछ भी नहीं है, ये इसका क्या आता है भाई, 1/λ=RH, क्योंकि ये किसका हाइड्रोजन का है, हाँ हाइड्रोजन एटम का, तो Z=1 है, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ RH इंटू 1/4 माइनस 1/9, ये कितना आया था अभी, 5, तो लैम्डा FL वॉज इक्वल्स टू 36/5 RH। इनफैक्ट अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, यहाँ पे जो लैम्डा LL होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/RH, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट दी लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोल रहा है, ठीक, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, बाल्मर सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो ये फोर्थ होगा कहाँ से आएगा, 6th से, N=6 से, तो थर्ड लाइन ये हुई ना, थर्ड लाइन ये वाली हुई, तो ये N=2 है और ये N=5 है। तो कभी भी तुमको देखना हो, ऐसे बना के तो हर बार नहीं देख सकते, मैं तुम्हें तरीका बताया क्या है भाई, लाइमन के लिए क्या होगा, अगर फर्स्ट या nth लाइन है, nth लाइन
एक तरीका बताया था, nth लाइन फॉर लेट से लाइमन, ठीक है, जैसे लाइमन बोला तो n1 इक्वल्स टू 1 तो आ गया, ये तो क्लियर है। अब उसने nth लाइन बोला है तो n2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस जो n है, ठीक। अगर मान लो nth लाइन ऑफ, ये चाहे तो नोट कर लेना, फॉर बाल्मर, ये क्या होगा, nth लाइन ऑफ बार्बर बाल सॉरी बाल्मर हाँ चलो nth लाइन ऑफ बाल्मर की बात करें तो n1 इक्वल्स टू 2 हो गया, ये तो क्लियर है, बाल्मर को देखते समझ में आ गया। n2 विल बी इक्वल टू व्हाट, n2, n2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस n, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से nth लाइन ऑफ पाश्चन अगर मैं कैलकुलेट करवाऊँ तो क्या होगा, nth लाइन फॉर पाश्चन, इसकी n1 देख पाश्चन देखते हैं, n1 इक्वल टू 3 हो गया, n2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस n, जो भी n फर्स्ट बोल रहा है तो 1, सेकंड बोल रहा है तो 2, थर्ड बोल रहा है तो 3, गॉट इट। ये इस तरीके से करना है। बी हियर अ व्हाइल, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन, लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एल आई टू प्लस, तो बाल्मर सीरीज ऑफ एल आई टू प्लस, और इसका क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करना है हमको, और इन टर्म्स ऑफ आर एच, इन टर्म्स ऑफ आर एच बोल रहा है, तो यहाँ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बाल्मर सीरीज है तो अच्छा थर्ड लाइन बोला उसने, थर्ड लाइन, ठीक है ना, थर्ड लाइन है ना, हाँ, बाल्मर सीरीज है तो एन वन इक्वल टू 2 हो गया, सिंपल है, थर्ड लाइन तो एल टू इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो गया, अच्छा एल आई 2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि जेड इक्वल टू 3 हो गया, देयर फोर लैम्डा 1/λ, फॉर्मूला लगाना सीधे, 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर इंटू 1/, छोटी वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो आ जाएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ। Flames rose to Roman nose, a walk lamp starting to melt. Oh, sweetness, sweetness, I was gone. I was only joking when I said I like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, oh, was only joking when I said I'd like to shut the bludgeon in your head. No, I'm dead, old Jonah fell. ओहो सॉरी, यार तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि लैम्डा ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लैम्डा ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, उसने बोला ये फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एच ई प्लस आयन, ठीक है, एच ई प्लस आयन जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, तो जो लैम्डा है किसका, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ बी ई 3 प्लस आयन, ठीक है, इसको इस लैम्डा को एक्स के टर्म्स में निकालना है, तो कुछ भी नहीं, 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए अगर मैं देखूँ तो n1 कितना है इसका, तो n1 तो दोनों में 2 ही है क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, n2 कितना है इसमें, भाई इसने फोर्थ लाइन बोली का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, यहाँ पे क्या होगा n2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5, ठीक है, तो 1/, ये यूँ समझ लो 1/λ एच ई अपॉन 1/λ बी 3 प्लस एच ई प्लस, दिस इज इक्वल टू
z1 square अपॉन z2 square इंटू 1 अपॉन n1 square कितना है ये? अच्छा सीधे सीधे वैल्यू रख लेते हैं ना यार, क्यों इतना वो कर रहे हैं हम तकल्लुफ़। 1 अपॉन x ये हो गया और हमें इसका पता नहीं है, तो इसको 1 अपॉन लैम्डा मान लो। z1 कितना है भाई इसमें? 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया z=4 का स्क्वायर हो गया, या 1 अपॉन n1 square 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 4 भाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 1/4 ये आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा भाई, 1/4 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/36, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे 1/4 माइनस 1/25 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो यार, कितना आएगा ये, 9, 8, 36 नीचे आ जाएगा, 36 और 39 माइनस 1, 8/36 कितना हुआ, 2/9, तो यहाँ 2/9 आ जाएगा, या 8/36 समझ लो इसको पहले, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में एटलीस्ट आसानी हो। यहाँ तो 4 है ही, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ तो नीचे तो 100 आ जाएगा, और 25 माइनस 4 कितना हुआ भाई, 25 माइनस 4 हो गया 21, ठीक है, ये कट गया, ये कितना आ गया 25, और यहाँ से कटा तो ये 2/9 हो गया, तो 2 × 25 ऊपर आ जाएगा अपॉन, ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ तो गया 9 × 21, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो लेट्स डू समथिंग एल्स, इफ़ वी हैव एनी अदर क्वेश्चन। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है शायद, नहीं ये तो पहला हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स डू द लास्ट पार्ट, ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अभी सब कुछ मिटा रहे हैं यहाँ पे से, बहुत देर हो गई इस बेचारे को यहाँ पे बने हुए, इसके ऊपर ही हमने बहुत सारे और ड्रॉ कर दिए फिगर्स, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से, नहीं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड क्या होगा। एक चीज़ मैं तुमको मतलब कैटेगरिकली बताना भूल गया, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहे हैं, है ना, लेकिन जब हम बोर मॉडल की बात कर रहे थे तो हम नीचे से ऊपर वाले पे भी जाते हैं, तो वहाँ दोनों टाइप के ट्रांजिशंस थे, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, एनर्जी एमिट हो रही थी, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ एनर्जी एमिट होती है। तो लेट्स से वी हैव ये सर्टेन एनर्जी लेवल्स ओवर हियर, ठीक है, ठीक। मान लो कि मैं बात करता हूँ 6th से हम 5th, 1st पे हैं, मतलब 6th पे है, तो 6th से 1st पे आने के कितने तरीके हैं, 6th से 1st पे आने के कितने तरीके हैं, ठीक है। एक तो हो गया सिंपली ये, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये आ गया, है ना, दो तरीके हो गए, 1, 2, 3, मतलब ये तरीके तो दो हुए लेकिन ट्रांजिशन टोटल कितने हुए, इसमें एक हुआ, इसमें दो ट्रांजिशन हो गए, टोटल 3 हो गए, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से कि नेक्स्ट वाला जो ट्रांजिशन आया वो ऐसा आया, इससे फिर यहाँ पे आ गया और एक फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, 4 के साथ कर लेते हैं, 4 में थोड़ा छोटा रहेगा, लेट्स डू इट विद 4। अगर मैं 4th एक्साइटेड स्टेट में हूँ और मैं 1st में आना चाहता हूँ तो हाउ मेनी वेज डू आई हैव, एक तो डायरेक्टली हम यहाँ से खटाखट कूद जाएंगे इधर, दूसरा क्या है कि भाई 4th से n=4, n=3, n=2, n=1, ठीक है। तो एक तो हो गया 4, 2, 1, ये 1st हो गया, दूसरा क्या हुआ 4, 2, 2 एंड देन 2, 2, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फिर 4, 2, 3, 4 से 3 पे गया, गॉट इट। अच्छा, 3 से 1 पे आने के दो तरीके हुए ना, एक तो क्या हुआ
तीन से दो पे आए, दो से एक पे आए, और एक तीरा तीन से एक पे आ जाए। तो तीन से एक पे आने का तरीका ये हो गया, फिर तीन से दो पे आए और दो से एक पे, दो से एक पे यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं यहाँ पे इस लेवल से इस लेवल पे आने के लिए वो ये छः हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, किसी एन नंबर के लिए, या तो मैंने फोर्थ लिया है ना, किसी एन नंबर के लिए, तो किसी एंथ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हुई, एन माइनस वन वेज। इसको इस तरीके से देखो, ऐसे नहीं करते इसको, इसको लिखते हैं, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड। फोर्थ से तुम वन पे आ सकते हो, टू पे आ सकते हो, थ्री पे आ सकते हो, ठीक है। अब थ्री आ गया, थ्री से कितने, इस पर दो, दो तरीके हैं, फोर थ्री से वन पे आ सकते हो, थ्री से टू पे आ सकते हो, टू से सीधे एक बारी वन पे आ सकते हो। तो अगर तुम देखो इस तरीके से तुम देखोगे इनको तीनों को, तो ये चारों के जो छः के छः हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर फोर्थ से तुम डाउन आ रहे हो, एंथ से तुम डाउन आ रहे हो, तो कितने वेज है तुम्हारे पास, n माइनस वन वेज है, ठीक है। अगर तुम n माइनस वन से डाउन आ रहे हो तो तुम्हारे पास n माइनस टू वेज है। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहे हो तो तुम्हारे पास टोटल कितने वेज है, तीन, n माइनस वन, फोर माइनस वन, थ्री। अगर तुम थर्ड से फर्स्ट, थर्ड से नीचे आ रहे हो तो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, थर्ड एन शुरुआत में फोर था, ठीक है, तो फोर माइनस टू, टू, दो तरीके हुए। अच्छा, अगर तुम टू से वन पे आओगे तो ये थर्ड वाला हो गया, एन माइनस वन, एन माइनस टू से डाउन आओगे तो तुम्हारे पास एन माइनस थ्री वेज होंगी। इसी तरीके से तुम सेकेंड से अगर डाउन आओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ वन वे होगी। तो इस तरीके से अगर तुम ऐड करते चले जाओ इन सबको, तो द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज विल बी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। क्लियर होगी ये बात, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसका सम कितना होता है भाई, इसका सम अगर मैं करूं, सम ऑफ स्पेक्ट्रल या सम ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिशन, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, इट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन। याद है तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। तो अगर मैं एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन कर दूं, मतलब एन की जगह एन माइनस वन रख दूं उस फॉर्मूले में, कितना आएगा ये, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो तुम्हें बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी nth ऑर्बिट पे हो और तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट तक जाने की छूट है, तो हाउ मेनी वेज कैन यू गेट देयर। एक तो क्या है कि डायरेक्ट छलांग मार दी, है ना, और एक क्या है कि तुम एक एक स्टेप वाइज चले गए या कुछ बीच में लेवल्स जो है स्किप कर दिए, है ना। तो दीज आर द पॉसिबल वेज एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज या मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, गॉट इट। तो सबसे पहले लिखो इसमें, द हेडिंग शुड बी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, या वेवलेंथ कह लो या रेडिएशन कह लो, जो भी तुम्हें कहना है, मैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और फोटॉन्स एमिटेड, ठीक है, फोटॉन्स एमिटेड, एमिटेड, ये क्या होगा, ठीक। इसमें केसेस आते हैं, पहला केस तो क्या है कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट आ रहा है तो दिस फॉर्मूला विल वर्क, तुम देख लो चाहे, ठीक है, ठीक। ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए निकाला, ये जो फॉर्मूला है ये इसीलिए निकाला कि अगर तुम्हारा किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे अगर आ रहा है तो दिस फॉर्मूला विल वर्क, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, क्लियर है। n अगर तुम यहाँ पे चेक करना चाहते हो, n इक्वल्स टू फोर डाल के देख लो, फोर इंटू
4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 4 थ्री 12 बाई 2 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गई बात? गुड, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और लिख लो, वो लिखने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने बताया है ये सिंगल एटम के लिए नहीं बताया मैंने, ये एक सैम्पल के लिए बताया कि यू हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक बारी में एक ही तो ट्रांजिशन होगा, 6 ट्रांजिशन थोड़े ना होंगे। तुम ये क्वेश्चन पूछ तो सकते थे, या शायद कुछ लोग पूछ भी रहे होंगे कि सर ये ट्रांजिशन जो हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे तो एक ही ट्रांजिशन करेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो क्या होगा, एक एटम में जो ट्रांजिशन होगा वो फोर्थ से फर्स्ट में हो सकता है, किसी में फोर्थ से टू में हो सकता है, किसी में फोर से थ्री में हो सकता है, किसी से थ्री से टू, थ्री से वन, यहाँ से टू से वन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल या मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे, ठीक है, ट्रांजिशंस, वो क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला लिखवाए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के लिए, गॉट इट। अब मान लो ऐसा केस ना हो कि ग्राउंड स्टेट पे ना आ रहा हो, सेकंड केस आ जाए तुम्हारे पास, सेकंड केस क्या है, केस टू। केस टू इज कि अगर वो किसी भी टू एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट में आ रहा हो, हमें नहीं पता, सेकंड हो सकती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है मतलब एन इक्वल टू टू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो सकती है मतलब एन इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा हो, तो लेट से जो जहाँ से आ रहा है वो एन टू है, और जहाँ को जा रहा है वो n1 है, ठीक है, और लेट्स से डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे इस केस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे इस केस में, उसका फॉर्मूला आएगा n, सॉरी डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 अपॉन 2। ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो होंगे, गॉट इट। इसमें भी ये जो पर्टिकुलर केस एप्लीकेबल है एक सैम्पल के लिए, या फिर व्हेन अ गुड नंबर ऑफ, लाइक देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ, देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ओवर देयर, या जिस भी एटम या आयन की हम बात कर रहे हो, ठीक है। अब लास्ट वाला जो केस आता है वो ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, आइसोलेटेड या सिंगल, इसको लिखना। हमारे पास जो ये केस है थर्ड वाला, दैट इज आइसोलेटेड और सिंगल एच एटम, ठीक है। अगर एच एटम है, सिंगल एच एटम या कोई और भी एटम है, डजंट मैटर, या सॉरी कोई और भी आयन है, तो सिंगल आइसोलेटेड एटम और आयन, उसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो क्या हो सकते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास अगेन फोर्थ लेवल पे है वो, ठीक है, तो फोर्थ से भाई एक तो चांस ये है कि वो डायरेक्टली इधर आ जाए, ठीक, लेकिन एक चांस ये भी तो है यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। तो एक ही एटम के अंदर एट मैक्स ये तीन एक साथ हो सकते हैं, एक के बाद एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ से यहाँ आ गया तो अब वो ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो हम वो तो कहते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में साइमल्टेनियसली वो सारे के सारे ट्रांजिशन हो रहे थे। अभी हम एक ही एटम की बात करें तो एक एटम में क्या होगा भाई, या तो सीधे यहाँ से यहाँ आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पहले इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कब होंगे, जब वो एक एक स्टेप वाइज उतरे। अगर मान लो वो सीधे सेकंड पे फर्स्ट इस पे उतरता है और फिर यहाँ आ जाता है, या सीधे सेकंड पे उतरता है और फिर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे भी दो ट्रांजिशन हुए उसके, यहाँ पे भी दो ट्रांजिशन हुए, यहाँ पे एक हुआ, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन कहाँ कितने हुए या कहाँ पे हुए, जब वो एक एक स्टेप वाइज उतरता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास आइसोलेटेड या सिंगल एटम हुआ, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पे एन इक्वल टू फोर था ना, तो कितने मैक्सिमम आए, एक दो तीन एन माइनस वन। अगर तुम पांचवा ले लो तो पांचवे से पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो देख लो इसमें भी एन माइनस वन ही है। तो ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फॉर एन आइसोलेटेड एच एटम, ठीक है, दैट विल बी
एंड माइनस वन, और मिनिमम नंबर कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वो एक ही है भाई, सीधे पाँच पे से एक पे, या एन इक्वल्स टू फोर है तो सीधे फोर्थ से पहले पे, ठीक है। तो ठीक है चलो, दो क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम, हाउ मच टाइम, एक घंटा हो चुका है, दो क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास सैंपल है, ठीक है, सैंपल के लिए, ये फर्स्ट केस के लिए सैंपल, सैंपल ऑफ एच एटम्स, ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सब में क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या बोल रहा है, सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जा रहा है, ठीक है। अगर सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट है तो एन टू विल बी इक्वल टू एट, एन वन इक्वल टू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ थ्री, मतलब एक्साइटेड स्टेट में हमेशा जो भी एक्साइटेड स्टेट होती है उस पर एक ऐड कर देते हो, ठीक है। तो अब निकाल लो इसमें से कि यहाँ पे क्या लगेगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट था, सेकेंड क्या बोल रहा है, वो सेकेंड बोल रहा है एट्थ एक्साइटेड स्टेट से जाना है ग्राउंड स्टेट पे, तो इसमें एन इंटू एन माइनस वन का फॉर्मूला लगेगा, ये बाय टू का फॉर्मूला लगेगा, इसमें बस एन इक्वल्स टू तुम एट रख दो, नहीं एट नहीं है, एट्थ एक्साइटेड स्टेट है तो एन विल बी इक्वल टू नाइन, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू नाइन रख लो, आंसर आ जाएगा। थर्ड, टेंथ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे एन वन विल बी इक्वल टू टू, सिंपल है, यहाँ एन वन इक्वल्स टू इलेवन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इन अ एच लाइक सैंपल, ठीक है, एच लाइक सैंपल है, इसका हमें जेड नहीं पता है, हमें इसका जेड नहीं पता है, ठीक है, अब हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि किसी हायर हायर एनर्जी लेवल पे है, हायर ऑर्बिट पे है, ठीक है, और जो एन वन है, जो एन टू है हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो, एन वन जो दिया है इसने, कह रहा है कि एन वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन वन वी इक्वल टू टू, हैंड प्रोड्यूसेस, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 15 डिफरेंट फोटॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिफरेंट फोटॉन्स, मैक्सिमम जो फोटॉन्स ये डाल सकता है यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन में 15 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब एन इक्वल्स टू टू में, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन, क्यों, क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला तो ग्राउंड स्टेट के लिए था, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 15, तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन इक्वल्स टू 30। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 और माइनस 6, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, डेल्टा एन इक्वल्स टू 5 आएगा, तो डेल्टा एन क्या होगा, एन टू माइनस 2, तो एन टू माइनस 2 विल बी इक्वल टू 5, एन टू इज इक्वल टू 7, दिस इज योर आंसर, गॉट इट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, एक आधा चीज़ देख के फिर कल तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ मैटर शुरू करते हैं। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।